Assalamualaikum. आज हम मीठे पकौड़े बनाएंगे मैदे के. इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप शुगर लिया है, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, तिल लिए हैं, ये ऑप्शनल है आपकी मर्जी है, और मिल्क लिया है. तो अब हम इसको शो करते हैं. और हम पहले हमने इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, शुगर ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है. थोड़ा थोड़ा हम मिल्क डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे. शुगर मैंने पीसी हुई ली है, पाउडर शुगर, आप चाहें तो ग्राइंड कर लीजिए. और पाउडर शुगर के तौर पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. हमने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर. ये मैदा अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें अब कहीं भी वाइट पार्ट नहीं है बिल्कुल अच्छे से. और ना ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है. अब हम इस ऑयल अच्छे से गर्म कर लीजिए कढ़ाई में. पहले से गर्म ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे. हम जब तक उनको टर्न नहीं करेंगे जब तक ये अच्छे से नीचे से इस तरह से ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि फिर ये बिखर जाएंगे. आप चाहें तो इस तरह से चॉकलेट या जैम के साथ सर्व करें. बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगे. कभी कभी रमज़ान में दिल चाहता है कुछ चेंज हो जाए, नमकीन के साथ मीठा, और डेली रूटीन में भी कभी बनाएं. पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.